अस्सलाम असल रहमतुल्लाहि व वबरक उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट जैसे कि आपको पता है हमारा आज का टॉपिक है जिनसे ब्लैक मैजिक अक्सर लोगों के सवाल होते हैं कि हमारे घर में जो जिन्नात बहुत हैं जी या हम पे किसी ने जादू करा दी है या मुझे कोई साया नज़र आता है या अक्सर बचपन के अंदर हमारे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके कभी जवाब मिले ही नहीं होते तो इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं माशाल्लाह से उस्ताद अरसलान सलीम शेख हुबैब शाहिद कैसे हैं रही है

टॉपिक पर तो चले बाद में आते हैं आप ये पता है क्या जिन एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते असल बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है ना हमेशा एक मिसकंसेप्शन रहा है इस हवाले से और हमेशा लोगों के अंदर एक क्यूरोसिटी होती है इस चीज़ को जानने के लिए तो मेरे ख्याल है आज हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि चलिए मैं तो सिर्फ नॉन नॉर्मस्लिम की बात नहीं कर रहा मैं जनरल एक अवाम की बात बिल्कुल बिल्कुल यूनिवर्सिटीज की भी बात करें या कॉलेज की भी बात करें अगर तो लोगों के माइंड में यही होता है कि आज जिन एग्जिस्ट नहीं करते हैं मतलब मैं जनरल जनवाओं की बात कर रहा हूँ बात यही है कि मैं इसको डिटेल में आंसर दूंगा इस चीज़ का क्योंकि अल्लाह की एक मखलूक एक ऐसी हक़ीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता देखिए अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं औरज़ुबल अमिन शैतानजीम वामा ख़लतुलजन् वन सब अल्लाह ताला ने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो अल्लाह ताला ने इनको पैदा तो किया है एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है वलकालजान नज मन्नार के इनको आँख से पैदा किया है इसी तरह आप अक्सर अगर हम जाएँ दुनिया बनने से पहले और अगर हम कुरान को स्टडी करें कि दुनिया बनने से पहले एक इवेंट हुआ था आसमानों के ऊपर जिसमें शैतान ने आदम आसमाम की तखरीक को चैलेंज किया था और ये कह दिया था अल्लाह से उस बदबक मखलूक ने कि इब्लीस ने कि खलक तनी मन्नार अल्लाह तूने मुझे आँख से पैदा किया है

कुछ पॉइंट देना चाहिए बात दरअसल ये माशा भाई ने इसके ऊपर जितने भी नुसूस थे वो तो अल्हमद पढ़ दिए हैं तो लेकिन, ये, कैसे करेंगे लेकिन, लेकिन, लेकिन ये मसला ये है कि जिन लोगों के साथ कुछ मसाइल हुए हैं उनको तो एज इट इज प्रूफ मिल गया कि जी इनकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया के ऊपर है भाई देखिए अब अच्छा अब मैं वापस थोड़ा सा करता हूँ मुझे कुरान के बाद अगर कोई इस तरीके की बात करेगा तो मेरे ख्याल है उसको देखना चाहिए कि वो कहाँ पे खड़ा हुआ है एक बहसीत मुसलमान उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए हमारा तो अकीदा ये है कि अल्लाह ताला ने जो कह दिया समयाना वताना और हमने उसकी तस्दीक करनी है ये जा रहे और बाकी अगर आप देखें कुरान के अलावा भी दूसरे जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर भी इन चीज़ों का बहुत ज्यादा तस्करा है बहुत सारी मूवीज भी बनाई जाती है उसमें और दूसरी बात यह है मैं आपको बताऊँ अगर आप ग्राउंड लेवल पर आए ना तो लोगों के काफ़ी सारे मुशाहिदात भी हैं इस पर देखें जिसको नहीं मानना उसे तो नहीं मानना वो कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं कहने वाले तो, तो, तो कुछ भी कहते हैं एक बिग बैंग हुआ था उसके बाद दुनिया की क्रिएशन हो गई है अच्छा चले ये तो चले हो गया माशा से एग्जिस्ट करते हैं अब लेकिन ये बताएं कि क्या मतलब इनकी जिंदगी हमारी तरह ही है मतलब जैसे कि हमारी रूटीन वगैरह है देखिए जिन्नात के बारे में मैं आपको एक हकीकत मैं आपको डिटेल में बताऊं अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है और अल्लाह ताला ने इनके लिए कोई अलग दुनिया नहीं बनाई है बल्कि अल्लाह ताला ने इनको हमारी ही दुनिया में उतारा है क्योंकि देखें अल्लाह तैतान ने ही कहा था कि रबी फानजरनी बसून कि अल्लाह तू मुझे मोहलत दे दे मोहलत किस चीज़ की दे दे कि मैं इनको तंग करूँ इसी तरह क्यामत वाले दिन एक मुकालमा है कन्वर्जेशन है अल्लाह त के साथ अल्लाह ताली फरमाता है वकाल शैतान लल्मा कदीम शैतान कहेगा जब फैसले सुना दिए जाएंगे वो यही कहेगा इन वादु वादल अल्लाह का वादा सच्चा था वाद तुकुम मेरा वादा झूठा था वमाकानिया आलिक सुल्तान ये किसको कह रहा है शैतान ये इंसानों को कह रहा है ये इंसानों से कह रहा है इसी तरह अल्लाह ताला ने भी कहा सुर हशर के अंदर है कि शैतान की मिसाल ऐसी है कि वो इंसान को कहता है कफरा ओकफुरफरा इन्नी बरी तो वो इंसान और शैतान का जो रिलेशन है वो इसी दुनिया के अंदर है इसी, अगर इसी तरह अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बिल्कुल यहाँ पे तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर रहते हैं तो हमारे साथ उन्हार रहते उन्हार हैं है, हमारी तरह बच्चे हैं हमारी तरह आते हैं जाते हैं लेकिन वो उसकी कुछ नोयीत मुख्तलिफ है और वो नोयत पे अगर बात करेंगे तो हमारा घंटा तो इसी में चला जाएगा अगर उनके डायमेंशन पे अगर आप बात करेंगे तो हमारी तरीके तो उनसे डायमेंशन नहीं है खाना खाते हैं ये भी बिल्कुल बिल्कुल इनकी भी खुराक है मुख्तलिफ है जो कि शरीय ने हमें बताया कि वो क्या खाना खाते हैं इवन के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनकी खुराक के बारे में भी बताया उनके कबाइल के बारे में भी बताया उनकी आदात के बारे में भी बताया उनके मिजाज के बारे में भी बताया और बहुत डिटेल के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनके बारे में बताया क्योंकि जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो इंसान के पैरल है सबसे ज़्यादा इंसान अगर इंगेज होता है तो वो जिन्नात के साथ होता है इस कायनात के अंदर जो अल्लाह ताला ने मखलूकें पैदा की है एक इंसान के साथ क्योंकि मामला हमारे पुराने चलते हुए आ रही हैं जंग हमारी पुरानी है आदम आसमाम से चलती हुई आ रही है और इसी की बेस के ऊपर इंसान को जो तकलीफ़ पहुंचाने वाले जो चीज़ें हैं इंसान को जो डेविएट करने वाली चीज़ें हैं वो तो दो ही होती हैं तो इंसान का अपना आप होता है इनकी कमी होती है दूसरा जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन शैतान लकुम शैतुआलादून कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है हसन भाई अगर शैतान इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जिन्नात इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते इस आयत से मुराद जो है वो जिन्नात हैं काना मिनल जिन नीफा फसा काना मुझे रबी इबलीस जो था वो एक जिन था तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने आयत ख़त्म नहीं करी मैं आज सब व्यूवर्स को बोलूँगा कि इस पॉइंट को बहुत गौर से सुने कि फत तखिजूह कि तुम भी उसको दुश्मन बनाओ ये कोई ऐसी मखलूक नहीं है कि आप उसको छेड़ेंगे नहीं और वो आपको मतलब जो है ना, ना रिबटल नहीं करेगा नहीं हम तो देख ही नहीं सकते बिल्कुल इंसान इसको इस तरीके से दुश्मन बनाएगा कि इंसान उसकी चालों को समझे उसके विजन को समझे उसके मिशन को समझे उसकी उसके पैदा होने का जो रीजन है उसको समझे उसके दुनिया में आने का रीजन को समझे इंसान क्या दुनिया में आने के रीज़न को समझे कि वो इंसान क्यों दुनिया में आया है और शैतान क्यों आए मैंने शुरू में एक आयत पढ़ी थी कि उसका जो रीज़न था वो हमसे अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि अबा वस्तक बरा अबा वस्तक बरा उसने इंकार किया और सिर्फ इंकार नहीं किया इंकार करता या फिर अल्लाह से कहते थे अल्लाह मुझे समझ में नहीं आ रही इसकी मखलूक मुझे तो वाजे कर दे कि तूने इसको तखलीक क्यों किया उसने कहा वस्तक बरा और अल्लाह ने अल्लाह ताला फरमाता है अबा वस्तक बरा उसने इनकार किया और उसने तकबर किया वह क्या काफिरीन और वह काफिरीन में से हो गया तो इस वजह से उसकी दुश्मनी यह है कि उसने, उसने अल्लाह को चैलेंज किया रब भी बीमा उसने अल्लाह को चैलेंज किया गुमराह करूंगा, करूंगा इस तरह नाउजुब्ला जिस तरह अल्लाह तू ने मुझे गुमराह लेकिन किया। ये तो आप कह रहे हैं कि दुश्मनी पैदा करूँ लेकिन मैंने तो सुना है कि अच्छे जिन भी होते हैं लोग पढ़ने उनके वाले साहब के पास जो है जन्नात पढ़ने आते थे ये तो यकीनन मुसलमान जनादी होंगे देखें वो कुरान की आयतें है ना कि वही तरफ ना इलेका नफरम मिनल जिन्नी कुरान कुरान तो सुनने के लिए आया करते थे नबी अलेहिस्सलाम से सीखा करते थे अच्छा उस दौर में भी बेसिकली था ये परसेप्शन नबी अकरम वसल्लम के दौर में भी था और नबी वसल्लम को तबलीग भी किया करते थे यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट इस्लाम से पहले भी थे और जो इनकी इब्तार जो हमें यहाँ पे चलता है वो तो मैंने आपको बताया शुरू से तखलीक भी और पिछली उम्मतों के अंदर जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से हैं मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से हैं उनमें ये सारी चीजें हमें मिलती हैं और जो अगर आप कससो लम्बिया को स्टडी करेंगे और जो इनकी एक दलाइल पे अगर हम बहस करेंगे तो बहुत आ, कदीम से बहुत हमें बहुत आसानी से दलाइल मिल जाते हैं कोई न कोई बड़ी बात यहाँ पर हो गई कि जिन्नात जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर ठीक है अब दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये नहीं है कि जिन्नात जो है वो फलीद होते हैं या बुरे होते हैं या बद होते हैं ऐसा तो नहीं है इसके अंदर आप कहते हैं इसके अंदर नेक भी, है। भी होते हैं जिस तरीके से इंसानों के अंदर कुछ बड़े गुनागार होते हैं जो बड़े पलीद होते हैं बड़ी पस्ती के अंदर होते हैं और बड़ी अपनी खतरनाक किस्म की और गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजार रहे होते हैं इसी तरह जिन्नात के अंदर भी कुछ बहुत अच्छे होते हैं कुछ बहुत बुरे होते हैं आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जिन्नात मौजूद नहीं है हमारे यहाँ पर हम जी हाँ हम इस वक्त यहाँ स्टूडियो के अंदर बैठे हुए यहाँ भी जिन्नात मौजूद है आपके घर के अंदर जिन्नात मौजूद है आप मस्जिद में चले जाए वहाँ जिन्नात मौजूद है हर जगह पे आप बिल्कुल बैठे हुए हैं मैं थोड़ा हम इसको वो कर भाई आपने <laughs> तो डरा दिया असल असल में आपने जो सवाल पूछा कि बुरे होते हैं उसमें अल्लाह ताज तौर पर फरमाया व अन्ना मन्ना सोलहना व मन्ना दो सूरज जिनके अंदर अल्लाह ताज अल्फाज के अंदर इनकी जो स्ट्रेटेजीज हैं इनके जो इनके जो अकद हैं और इनके इनके अंदर अच्छे होते हैं बुरे होते हैं और उसके अलावा एक हमेशा से एक मशहूर एक बात है कि ये आसमानों पे जाया करते थे और आप ये देखते हैं कि शेहब साकिब जो है एक टूटता हुआ सितारा जो है अल्लाह ताला ने इसके तीन पर्पस बयान करें हाँ, ये, तो आश... ये आसमान पे जो है ये आसमान पे जो है कोई खबर लेने जाते थे और इस सूरत में अल्लाह ने यह बयान जिन्नात खुद कहते थे कि हमें लगा कि पता नहीं ऐसी कोई बड़ी खबर आने वाली है कि क्यों आसमान के ऊपर इतने पहरेदार हैं बहरहाल वो पूरी एक तरतीब है पूरी एक हिस्ट्री है उसकी जो अल्लाह ताला ने वाजे अंदाज में बयान करी है जिन्नात की जहाँ तक प्रेजेंस की प्रेजेंस के हवाले से बात है तो देखें नेक जिन भी होते हैं और बुरे जिन भी होते हैं बुरे जिन बुरी जगह पे होते हैं नेक जिन अच्छी जगह पर होते हैं मसाजिद वगैरह में भी तो मसाजिद वगैरह में भी होते हैं बात नहीं अच्छी जगह है तो नहीं मैं मैं परेशान देखिए वॉशरूम के अंदर अब मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई है मिनल खुबुस उुबेगा किस से पनाह में आ रहे हैं ये ये क्या क्या है ये क्या है खबाइस किस चीज की आप पनाह में आ रहे हैं आप अल्लाह से किस चीज़ की पनाह मांग रहे हैं आप जब आप वॉशरूम में जा रहे हैं ये जो वॉशरूम में जाके लोग अक्सर गाने सुनते हैं या कुछ करते हैं ये कभी इस तरीके की चीजें होती है उनको समझना चाहिए कि नबी अक्रम सल वसम ने कुछ प्रिकॉशंस बताई हैं वॉशरूम में जाने की अगर आप बता दें थोड़ी सी तो वो ना वो प्रिकॉशंस यही है कि देखें जब आप वॉशरूम में जाते हैं सबसे पहले तो बात यह है कि आप उसको समझें कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है जो हमारे लिए हार्मफुल है अगर हम अपने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेंगे वो हमें नुकसान देगी वो भाई वो आयतल कुर्सी के बारे में मैं चाहूँगा वो जो सुबह की बात है आयतल कुर्सी के बारे में बताएं कि कुर्सी पढ़ने से कितना जिसके अंदर एक, एक बच्ची थी और उसके साथ कुछ इस किस्म के मसाइल थे कुछ पैरेंट नॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह उसके साथ हो रही थी अच्छा मैं आपको ये बताया चाहूँ की माशाल्लाह से हमारे सदर सलान भी रुखिया करते हैं और हमारे साथ भी माशाल्लाह से एक हैं जो कि

तो बहरहाल अलहमद उसको डील किया उनको मैंने प्रिकॉशंस बताया कि आपने क्या पढ़ना है किस तरीके से वॉशरूम में दाखिल होने का क्या तरीक़ेकार है निकलने का क्या तरीक़ेकार है फिर उसके बाद सुबह शाम की दुआएं असकार आयतुल कुर्सी वगैरह के ऊपर अभी बात हो रही थी तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इन आसे बंदिश जिन्नात जादू और नजरबंद इन चीज़ों से महफूज रहा जा सकता है प्रिकॉशन लेने के लिए बहुत सिंपल है प्रिकॉशन लेना देखें जिन्नात कोई ऐसी मखलूक नहीं है कि आप उनको तंग ना करें वो तंग ना करें वो हमेशा एक एनिमिटी है वो हमेशा आपकी दुश्मन रहे ऐसे वैसे बहुत से लोगों के माशाला से देख रहा हूँ लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं तो मैं आप लोग एक छोटा सा बीच में क्लॉज एड करना चाहूँगा कि हमारे कोर्स आ रहे हैं जिन्स ब्लैक मैजिक पे जो कि हमारे उस सलान सलीम कराएंगे जो कि आर्ट क्लासेस पे इन तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इंटरेस्टेड कमेंट कर दे हमारे कमेंट सेक्शन में तो इनशाला हमारी सोशल मीडिया की टीम उसको कॉन्टेक्ट कर लेगी या रजस्ट्रेशन लिंक दे देगी मैं भी मैं चाहूंगा कि लाजमी लोग इस कोर्स को अटेंड कर पता नहीं होती कोर्स के हवाले से मैं बता दूँ उसके अंदर कुछ चीजें होंगी देखें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे जिन अगर एक इंसान पर आ जाता है तो उसको ट्रीट किस तरीके से करें तो कोर्स के अंदर आपको बहुत वाजे तरीके से सिखाया जाएगा दस से बारह घंटे दूसरा मैं आपको एक और चीज में आपको बताऊँ देखें एक एक होता है इलाज करना हमारा एक आ, क्या कहते हैं तरीक़ेक जो है वो इलाज का अगर कोई हमारे पास आता है और हमसे डायग्नोसिस करवाता है वो पूछता है कि भाई क्या हम पर जादू है या नहीं है तो हम बेसिस सिर्फ उसको सिर्फ उसकी डायग्नोसिस नहीं करते बल्कि घंटे दो घंटे की हम पूरा उसको पूरा ट्रेन करते हैं उसको बताते हैं कि भाई अगर हमने इन डायग्नोस किया है आपको जादू तो किन बेसिस के ऊपर किया है ऐसा कोई इल्म नहीं है जो मुझे आता हो और आप नहीं सीख सकते हमारे लिए कोई अलग से फरिश्ते नहीं उतरते बस बात यह है कि आप आप उन सोर्सेज तक नहीं पहुंचे हम उन सोर्सेज तक पहुंच गए हमने वो बातें आपके लिए रखी नहीं, ताला, हमारा कोर्स में है अगर वो आएंगे तो मैं उनको फिर सारी चीजें मैं बता सकूंगा आप क्या हैं कि ये लोगों का इस कोर्स के अंदर इनरोल करना क्यों जरूरी है इसके ऊपर मैं चाहता हूँ की बात की जाए सोसाइटी के अंदर जैसे उन्होंने बताया ना कि वॉशरूम के बेसिक एटिकेट्स हैं जो कि इंसान को नहीं पता होता आपने अपना केस बताया कि बच्ची पे जेन इसलिए हावी हुआ क्योंकि उसने दुआनी पड़ी थी तो मैं समझता हूँ ऐसे छोटे छोटे कई माइक्रो थे जो इंसान अभी रिसेंट केस अभी तो रिसेंट केस मेरे पास पिशावर का एक और आया था जो एक एक साहब ने मुझसे कांटेक्ट किया वो कहने लगे कि उनकी भांजी के ऊपर जो है ना वो कुछ असरात हो गए और फर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई इस तरीके की बात करता है तो हम सबसे पहले तो हमारा माइंड ये जाता है यार कोई ना कोई एक साइकोलॉजिकल इशू ना हो जबरदस्ती वो उसको जिन्नात की तरफ लेके जाने हो किसी के साथ कोई मसला हो जाता है किसी की वालदा की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले तो उनसे क्वेश्चन करना पड़ता है कि भाई पूरा केस बताएं हुआ क्या है कहीं कोई नफस्याती मसला तो नहीं है कि उसको सिक्योरिटिस्ट की जरूरत है कहाँ जाना चाहिए बहरहाल वो केस ही आया उन्होंने कहा कि वो स्कूल में थी एक बच्ची शी इन थ्री क्लास की थी या टू क्लास की वो बच्ची थी उसको वो वॉशरूम वो गई थी और जब उसके बाद आई है तो उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने उसकी जो है ना अजीब सी तबीयत हो गई और फिर उसमें से जो है वो नींद नहीं आ रही उसको और भी बहुत ज़्यादा उसके साथ उन्होंने शेयर किया जो मैं यहाँ तो शेयर नहीं कर सकता किसी की प्राइवेसी है तो बहरहाल उससे फिर हमने ये डायग्नोस किया कि उसके साथ कोई जन्नाती मसला हो गया है क्योंकि हमने उनको यही समझाया कि वॉशरूम में जाकर इस तरह गर्म पानी बहाना और दुआएं ना पड़ना और इस तरीके से अपने प्रिकॉशन मेजर्स ना लेना तो वाकई एक इंसान की पूरी ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए उसकी एक गलती उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है उसकी एक ज़िंदगी को उसकी पूरे हालात को परेशान कर सकती है वह भाई आपको मैं कहूँगा कि कभी आपके साथ भी हुआ होगा और मेरे साथ भी होता है हम दोनों का एक्सपीरियंस है कि अक्सर लोग जिन्नाती मसला समझ रहे होते हैं लेकिन जो है ना वो होता नहीं है देखिए मैं, मैं आपको जो ना न से अभी शुरू करना चाह रहा हूँ ना तो आप तवज्जो से मेरी बात सुनीगा और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा कि ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना ये बहुत अहम तरीन बात है देखिए हम इस कोर्स को क्यों आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और रुकिया अशर्या के नाम से ये कोर्स आपके सामने क्यों लाया जा रहा है उसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं जब हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए वहाँ पर तस्बीहात हैं वहाँ पर बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे हैं वहाँ पर पगड़ियाँ हैं और वहाँ पर ये सारी चीज़ें वहाँ पर तावीज़ा मौजूद हैं और ये शुभ शुभ बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी आप लोगों की मैं सारी चीज़ों को जानता हूँ और बड़े बन आमीक इन चीज़ों को देख रहा होता हूँ मैं और मेरा दिल अंदर से कोड़ा होता है कि यार वॉट्स गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी ये मसला क्या हो रहा है आखिर लोगों को पता क्यों नहीं है कि ये ये असली मरहम नहीं है ये असली दवाई नहीं है जो आप लोग उनके पास लेने के लिए जा रहे हैं और एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि हम रुकिया क्यों करते हैं एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है मैं यकीन जाने जब इस रुकिया की लाइन के अंदर आया तो मैं रुकिया करता रहा मुझे माशरे के अंदर कुछ बात हुई कहने कहने लगे कि जी आप रुकिया करना छोड़ दें इस, इसकी वजह यह है कि आपके ऊपर कुछ रिएक्शन आएगा आपके बच्चों के ऊपर कुछ रिएक्शन आएगा आपके घर वालों के ऊपर कुछ रिएक्शन आएगा मैंने बोला ठीक है भाई मैंने कुछ पंद्रह बीस दिन के लिए तो किया वाले वाले साहब साहब को पता चला वाले ने कहा मुझे एक सवाल का जवाब दो वाले साहब ने यह कहा कि जिस बंदे के साथ ये मसला है ब्लैक मैजिक का मसला है जिन प्रदर्शन का मसला है एनजाइटी का मसला है स्ट्रेस का मसला है डिप्रेशन का मसला है उसके साथ एवल आई का मसला है क्या वो मार्केट के अंदर बाजार के अंदर किसी दुकानदार के पास जाके अपना इलाज करवाएगा डेफिनेटली जो दीन है जिसने इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है इन डेप्थ उसने स्टडी की हुई है अगर वो इलाज नहीं करेगा वो अपनी मरहम नहीं देगा तो फिर इस तरीके की दुकानें खुल जाएंगी मार्केट के अंदर तो वहां से ये ये समझें कि मुझे एक बूस्ट मिला और मैं फौरन इस काम के अंदर आया और मैं कहता हूँ कि आइए हम और आने की रुकी आपको इस फील्ड के अंदर है, है और लोगों के इतने बैड एक्सपीरियंसिस हो चुके हैं कि लोग जो है भागते हैं लोग समझते हैं कि जो जिसके पास जा रहे हैं ना वो यही कहेगा जैसे आप बता रहे थे कि हमारे जो भी पेशेंट आता है हम पहली पॉसिबिलिटी निकालते हैं इसके साथ कोई रूहानी मसला नहीं है हम पूरा सही बिल्कुल अच्छा मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में काफी लोग सवाल कर रहे हैं कि कोई हमसे काउंसलिंग ले सकते है डेफिने आप काउंसिल सकते हैं अपनी यहाँ से आप जो हैं अगर कराची के अंदर हैं अगर लाहौर के अंदर भी हैं तो आपका बिल्कुल ऑन कैंपस आपका जो है इनशा तला वो हो सकता है अगर आप कहीं बाहर से हैं किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपका इन शाल जो है क्या कहते हैं ऑनलाइन सेशन भी हो सकता है आप बस अपने कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड कह दें यहाँ पर हमें इनबॉक्स कर दें यहाँ पर जो हमारा ऑफिशियल नंबर है जीरो डबल थ्री फाइव फोर सिक्स फोर थ्री सेवन टू सेवन इनशाला आपका सेशन बुक हो जाएगा अच्छा भी इसके बारे में बता रहे जो आप नेटमेस टेस्ट के बारे में बता रहे थे कि हमारी पहली पॉसिबिलिटी तो होती यही है कि इस पे जो है नहीं है जादू का मसला नहीं है अक्सर लोग जो है ना वो ये सवाल कर रहे हैं मैंने उस वक्त देखा था जब आप सर्कुलेट कर रहे थे बैनर्स वगैरह तो लोग यही सवाल कर रहे थे कि हमी कैसे पता चलेगा कि जादू है या नहीं है कुछ बेसिक बेसिक अलामत मैं बता देता हूँ वो ये होती है कि देखें समटाइम अब ये अलामत बताते हुए जो है ना बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है जो मैं आपको सिम्टम्स में बता रहा हूँ आप ये नहीं समझिएगा कि अगर आपके अंदर ये थोड़ी सी कुछ अलामत आ गई तो फिर आपके साथ कुछ जादू हो जाएगा जादू होगा ऐसी बात है थोड़ा सा ना के तीन कैटेगरी बता दें पर हर किसी के अलग अलग सिम्टम बता दें जादू की नजर की और जिन्द जिना की हबी हाँ सबसे पहले तो आ, आप देखें कि जादू है क्या जिन है क्या जादू होता क्या है एग्जैक्टली exactly? जादू है क्या, क्या जादू का सुन के हमारे बचपन में हम खेलते थे भाई जादू एक काला धुआं और सारा जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते थे बचपन में देखें जादू जादू देखें शैतान को अल्लाह ताला ने पैदा किया इबलीस को अल्लाह ताला ने पैदा किया और जिन्नात को अल्लाह ताला ने पैदा किया इसमें तो कोई शक नहीं है और इंसान के साथ इसका एक रिलेशन है वो रिलेशन ये है आप जितने भी असकार पढ़ लें और जितने भी दुआएं पढ़ लें और जितने भी आप जो है ना वो कुरान ही क्यों ना पढ़ लें अल्लाह ताला ने उसको एक ऐसी इजाजत दी हुई है जो उसके अमल को नहीं रोक सकती वो है वसव से वस खन्नास कि वो वसव से डालता है अल्लाह ने उसको इजाजत दी हुआ कि वो पेनिट्रेट करे इंसान के दिल के अंदर और उसके अंदर वसव से डाले कोई कोई आयत कुछ भी नहीं रोक सकती इसके बारे में अगर आपने वसवासो के बारे में अगर डिटेल जानी है तो उसद वकी अली का जो कोर्स आ रहा है सूरफ फलक सूरह नास के अंदर वो, वो बहुत डिटेल कोर्स है इस हवाले से क्योंकि ये इस वक्त बहुत अच्छा कोर्स आ रहा है बहुत जबरदस्त कोर्स, कोर्स है नास के ऊपर इसलिए और शरीय हमें बताती है कि जादू जिन्नात और ये जिन्ना इन दो सूरतों के पढ़ने से खत्म होते हैं और अगर किसी को वसवसे ज्यादा आ रहे हैं तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है वो सूरह फलक सूरह नास पढ़े उसके अलग फजीलतें हैं लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इजाजत दी उसने खुद हुए उसने खुद अल्लाह से ये कहा था रब फानजर लाया बसम उसने तो अल्लाह तो की एक सिफत सिफत के साथ अल्लाह को पुकारा उसने भी अल्लाह को यह कहा रब फांजरिन लाऊ में बसुम और आदम ने भी जब अल्लाह को पुकारा तो रब बना रब की सिफत के साथ पुकारा तो जब अल्लाह को रब की सिफत के साथ जब आप भी पुकारेंगे तो अल्लाह तो शैतान को भी इजाजत दे देते उसकी भी दुआ कबूल कर ली अल्लाह ने उसको इजाजत दे दी अल्लाह ने कहा जो करना है कर लो अल्लाह के साथ उसने एक आर्ग्यू किया उसने जुर्रत करी अल्लाह के सामने गुस्ताखी करी अपने रब के साथ अल्लाह ने फिर भी आखिर में यही कहा कि कुछ भी कर लो तुम वसफ़ से डाल लो तुम उसको पोजेस्ट कर लो तुम कुछ भी कर लो तुम उसके घर में आ जाओ तुम सब कुछ कर लो लेकिन एक बात याद रखना इन्ना आइबादल तुम सुल्तान कुछ भी कर लो कि मेरे बंदे पे तुम्हारा जोर नहीं चल सकता Allah. तो जब तो शैतान एक तरीक़े ये है कि वो एक्सटर्नली इंसान के दिल के अंदर वो वसफा डालता है चैतान उसकी फ़ौज जो है वो पूरी वो वसवसे डालती है उसको ख़ानदान के बारे में हस्बैंड को वाइफ के बारे में भाई को भाई के बारे में विरासत के बारे में बदगुमानियाँ नमाज शुरू होती कारोबार याद आ जाता है नमाज ख़त्म होते ही असकार याद आ जाते हैं तो जहां भी वो एक पॉजिटिव एलिमेंट की तरफ जाएगा इंसान तो उसके दिल में वसवसे से आना शुरू हो जाएंगे लेकिन एक चीज़ ये होती है एक बैरियर होता है इंसान और जिन्नात के दरमियान अगर हम वो प्रिकॉशनरी मेजर्स उस बैरियर को अगर हम कायम नहीं रखेंगे अगर हम उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं जो बहुत डिटेल में बताई हैं जैसे दरक के नीचे पेशाब नहीं करना ठीक है जिस तरह हड्डी और इस हड्डी के साथ स्तंजा ना करना गोबर के साथ स्तंजा ना करना क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हड्डी जो है वो जिन्नात की खुराक है बल्कि ये कहा कि तुम्हारे भाइयों की खुराक है जिन्नात की खुराक है जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम की तमाम मखलूक के हकूक बयान करें इस तरह के भी करें जब आप उनकी उनके हकूक का ख्याल नहीं रखते जिन्नात का गर्म पानी बहा देते हैं क्यारी के अंदर फिर इस तरह गर्म पानी बहा देते हैं बेसन वॉश बेसन के अंदर बगैर बिस्मिल्ला कह या आप कपड़े चेंज करते हैं बगैर अल्लाह का नाम लिया घर से बाहर निकलते हैं तो वो जिन जब ऑफेंड होता है तो वो आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है आपके जिस्म को पजेस्ट कर लेता है नहीं क्या दाखिल होना इतना आसान है जिनका के मैं आपको बताया ना कि जब आप प्रिकॉशन आप मेजर्स नहीं लेंगे तो बाकी वो तो करेगा उसका तो काम ही है उसका तो सुबह शाम का इंतजार करते हैं वो है, कब नहीं? मुझे मौका मिले कह रहा हूँ कि उसका काम लेकिन क्या मतलब इतना आसान है जिनके लिए बिल्कुल बिल्कुल अगर आप अगर बाकी तो अल्लाह की हिफाजत है अल्लाह ताला हिफाजत करे लेकिन हसन भाई एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि अगर आप कहते हैं कि इस इंसान के अंदर जन आ गया तो हमें ये डिपेड कराया जाता है हमेशा कि उसके बाल बाल लंबे हो जाएंगे वो हवा में उड़ना शुरू कर देगा या फिर वो जो है उसको जंजीरों से बांध के रखना पड़ेगा या फिर उसके पाँव उल्टे हो जाएंगे या कोई उसकी अजीब सी हालत हो जाएगी या वो भेड़िया की शक्ल बन जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता बस वो थोड़ी सी या खबत के उसकी जो एक कैफियत होती है उसकी जो अकल होती है उसकी जो याददाश्त होती है उसका जो एक मेंटल उसकी जो एक हेल्थ होती है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है समटाइम्स uh, अलाम पे मैं आता हूँ कि जब जिन उसको पोजेस्ट करता है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान अपनी बॉडी के अंदर ऐसा पेन फील कर रहा होता है जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे पेन की अलग अलग फीलिंग्स बताई हैं क्रैम्प आ जाए उसका अलग पेन है कट लग जाए उसका अलग पेन है लेकिन जब जिन पोजेस्ट करता है उसका एक पेन होता है ना वो किसी गैजेट्स में आ रहा होता है अच्छा मैंने सुना है कि जब इंसान पोजेस्ट होता है तो जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह करा ले अपने मेडिकल टेस्ट करा मोस्ट प्रोबेबली ऐसे हो रहा होता है क्योंकि उसके पोजेशन का जो ताल्लुक होता है उसके माइंड से होता है रादर देन हिज बॉडी उसके रिजल्ट नहीं आते क्योंकि क्योंकि गैजेट्स जो होते हैं जो मेडिकल में होते हैं वो हमेशा बॉडी के सिम्टम्स को और बॉडी के अंदर जब खराबियाँ होती है ना तो वो उसको दिखा रहे होते हैं ठीक है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते लेकिन जब जिन होता है तो वो उसके माइंड उसका माइंड ऐसी चीजें फील कर रहा होता है समटाइम्स वो आंखों से ऐसी चीज देख रहा होता है जो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती जो दूसरों को नजर नहीं आती अच्छा देख भी सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल उसके आगे के आगे से बिल्कुल उसको नजर आते हैं और बहुत सारे ऐसे मेरे ख्याल मुशाहिदात थारे हैं।, 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 हैं लोगों के कि उन्होंने बोला कि मैं जैसे कमरे में दाखिल हुआ तो एक औरत खड़ी हुई थी किसी ने बोला मैं रोड बोल। पे रात में जा रहा था तो मुझे जो है ना अजीब सी कोई मखलूक नजर आ गई इस तरह बहुत सारे मुशाहिदात हैं लोगों के बहुत सारे मुशाहिदात हैं बस दुआ पढ़ के घर से निकलना चाहिए और उसमें से ये है कि फिर इंसान उसइया चुभनी स्टार्ट हो जाती हैं कुछ लोगों को बैठे बैठे और uh, कभी कभी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है कभी कभी जो है ना शीशे में देख के वो अपने आप को बहुत ज्यादा खौफनाक चीज देखता, देखता बहुं बहुं है ख्वाब उसको अजीब अजीब सा बिल्कुल बहुत सारे सिमटम्स अगर हम जाएंगे तो बहुत तेज हो जाती लेकिन है लेकिन मैं ये कहूंगा प्लीज अपने आपको रिफ्लेक्ट नहीं कीजिएगा अभी खुद डिसाइड नहीं कीजिएगा अभी कहीं आप बोले भाई ये तो हमारे साथ हो रहा है चीजें मेरे साथ हो रहा है समझे हमारे बहुत सारी कुछ स्पेसिफिक चीज भी होती है और जैसे कपड़ों के साथ मसले होते हैं और भी बहुत सारे मसले हैं कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, कुछ आवाजें सुनाई देनी शुरू कर देती हैं हाँ एक चीज होती है जो तो बहुत ज्यादा कॉमन है कि इंसान के, के वसवसे और उसके ख्यालात इतने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं उसको आवाजें वो सिर्फ वसवा नहीं रहते बल्कि उसको आवाजें सुनाई दे रही होती है अच्छा आवाजें भी सुनाई बिल्कुल उसके माइंड के अंदर ऐसा लगता है है कि उससे बात कर रहा है। नहीं तो ये आवाजें सिर्फ जो होते है उसको सुनाई देती जी है जी जी बिल्कुल जो प्रोजेस्ट होता है उसको सुनाई दे रही होती है उसको वो कहते हैं मुझे बाकायदा मुझे इतने जबरदस्त वो सो रहा हो जाग रहा हो उठ रहा हो बैठ रहा हो उसको वसव से वो किसी से बात कर रहा हो अपनी कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर ले वो कितना भी घूम फिर ले वो कितनी भी शॉपिंग कर ले कितना भी वो कोशिश कर ले कि, कि किसी तरीके से वो सोचे और ख्याल कम हो जाए और सोचे किस हवाले से आएंगी सबसे पहले अल्लाह के बारे में कि अल्लाह है नहीं किदा है किदा और ये अकीदे के बारे में आएंगी क्योंकि अकीदा अकीद तोहैद जो हम सफ़ा में पढ़ा रहे हैं अकीद तोहेद वो वाद चीज़ है जो जिन्नात का मेन फोकस होता है कि, कि किसी तरह उसको डिट्रैक कर दे इंसान को और उसको शिरक करवाए उसको जहानुम में ले जाए मेन ट्रैक से हटा दे मेन ट्रैक से हटा दे और अगर हम इसकी तारीख पर जाए जादू की जो सुलेमान सलेमानसम की जो आयत आती है सूरह बकरा में बिल्कुल जो युफर रखून अभी ही बैन अलमर वी इसका जो जादू का जादू बेसिकली ये होता है कि एक तो जिन आपकी बॉडी को पज़ेस करता है किसी आपकी किसी गलती की वजह से या आपने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए होते या फिर वो आपकी बॉडी को पजेस्ट करता है इसलिए क्योंकि कोई इंसान एक आमिल के पास जाता है एक बाबा के पास जाता है और जैसे वो जिस तरह ये बंगाली और ये जिस तरह बैठे होते मलंग बैठे होते हैं उनके पास जाता है और वो आपके ऊपर एक स्पेल करता है और वो आपके ऊपर एक स्पेल करता है तो उसको उसको क्या चाहिए होगा आपके लिए आपकी कमीजें गायब होनी शुरू हो जाएंगी आपकी जो है वो आपकी कमीज गायब हो जाएगी आप बोलेंगे मेरी मैली कमीज गायब हो गई तो कोई ना कोई वो कमीज जो है वो चोरी कर लेगा कहीं ना कहीं लोग आपको जो है ना घर में से या कपड़ों के अंदर से कोई तावीज़ात मिलने शुरू हो जाएंगे या आपके घर के बाहर जो है ना कुछ ऐसी चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी जैसे कोई अल्लाह ना करे अल्लाह ताला हिफाजत में रखे बाल मिलने शुरू हो जाएंगे खानों के अंदर से बाल मिलने शुरू हो गए और आपको अपने घर में से अजीब सी हड्डियां और अजीब से जानवर दिखने शुरू हो जाएंगे तो वो जो जिन बॉडी को प्रोजेस्ट करता है वो बता दें ऐसा ना हो कि उनके शेफ के बाल गिर वो समझे नहीं नहीं वो ऐसे वो ऐसा कॉमन मसला नहीं होता पूरे पूरे गुच्छे होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ये क्या हो रहा है अच्छा अच्छा आप बता रहे थे ठीक है अच्छा, आप बता okay? अच्छा आप रहे थे इसी आ, बालों के हवाले से, थे थे। से बालों के गुच्छे मिलते हैं एक दफा मेरे पास एक केस आया उनके घर के बाहर जो गार्डन था वहां पर आप यकीन जाने एक अरसलान भाई डॉग और उस डॉग की सिरी वहां पर मिली उस डॉग के पाए वहां पर मिले ये आई वॉज वेरी शॉक बस वो अच्छा फिर हुआ ये कि बताते हैं कि हमारे घर के साथ एक तो ये मामला चल रहा है फिर उसके बाद घर के अंदर जो कपड़े हैं हमारी कबट के अंदर उन कपड़ों के ऊपर कैंचियां चली हुई हैं वॉशरूम की दीवारों के ऊपर जो है वो खून नजर आ रहा है एक्जैक्टली exactly, वो खून ब्लड अक्सर नजर आना स्टार्ट करना शुरू हो जाता है तो ये ब्लैक बड़ा खतरनाक किस्म का जादू होता है ये तो वो यही होता है कि अब वो जिन जादूगर के बाद जाते हैं वो जादूगर जो है ना उसके बाद जिन्नात होते हैं वो जिन्नात के साथ कॉन्ट्रेक्ट वो उसका गलत फायदा उठाते हैं मैं आपको ये भी बताऊं कि इंसान जिन्नात के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं

उनका अल्लाह ने बता दिया क्या होना है और जादू से कभी इलाज नहीं हो तो सकता हमेशा जादू, जादू नेगेटिव ही होता है कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता ये सफेद जादू काला जादू ये सब सब एक ही चीज है और हर चीज नुकसान पहुंचाने वाली चीज है एक सवाल है की जिन इंसान से शादी कर सकता है देखें एक किस्म होती है अगर आप थोड़ा सा एकेडमिक और डीप में जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ अरे यार में पढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर नहीं मैं थोड़ा सा एक टचअप दे देता हूँ जिनाद जिनाद के, के, मैं अगर आप सवाल पूछा थोड़ा सा हक तो अदा कर देते ना देखें जिन्नात की पोजीशन की काफी टाइप्स होती है और उसमें से एक टाइप होती है आशिक बेशक जब कोई जिन इंसान को कर लेता है किसी मर्द या औरत को वो आशिक, आशिक जिन होता है क्योंकि इनके अंदर लस्ट और फाशी बहुत ज्यादा होती है अशान यादमिल फ़र वो याशाह इनके अंदर फाहश और ये इस तरह की चीजें बहुत होती हैं तो ये पोजेस्ट कर लेते हैं अच्छा मुझे एक कहानी याद आई इसके ऊपर अभी मेरे खाले टू मंथ्स बैक

ज़िंदगी के अंदर कोई बड़े से बड़ा मसला आ जाए कोई बड़े से बड़ा डिप्रेशन हो बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक हो कोई काला जादू हो कोई आसेब हो कोई बंदिश हो कुछ भी हो एक चीज़ के ऊपर ईमान और यकीन होना चाहिए अल्लाह फरमाता वनजीन शिफ़ा ने कुरान को शिफ़ा बना के नादिल किया है अब शिफ़ा के अंदर बहुत सारी डायमेंशन हैं एक ये है कि आपके जितने भी मसाइल हैं रूहानी जितने भी मसाइल हैं उन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह ने कुरान को इलाज बना के ना किया है तीसरी चीज आज लोग कहते हैं कि जी जिन्नात बड़े पावरफुल होते हैं जिन्नात चाहें आपके सर के ऊपर हावी हो जाएं, आपके दिमाग के ऊपर हावी हो जाएं, आपके दिल के ऊपर आके बैठ जाएं, अशैतान यजरी इमदल इंसानी दम यह हदीस भी है नस भी है लेकिन मैं ये कहता हूं मेरा ये दावा है कि अल्लाह फरमाता है लउल हादल कुराना आला जबल इस कुरान की पावर और ताकत यह है कि अगर हम इसको पहाड़ पर भी उतार देते हैं ना दरअ तव ख़्श अम मुतसद अमिन तो ये पहाड़ भी अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाता फ़ना हो जाता ख़त्म हो जाता कि जिनकी क्या हैसियत है ये जिनकी क्या पावर है आपको ये ईमान और यकीन होना चाहिए कि हम कुरान के जरिए से इलाज कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे इस कोर्स के अंदर कि कुरान के जरिए से रुकिया कैसे किया जाता है कुरान के जरिए से ये जिन पोजिशन कैसे खत्म किया जाता है रुकिया के जरिए से ये ब्लैक मैजिक के आसेब ये बंदिशें ये रुकावटें ये बिजनेस के मसाइल कैसे खत्म किया जा सकते हैं वी विल टेल यू इन दिस कोर्स इंशाल्लाह और मैं आपको बताऊं आप, देखिए लोग बहुत ज्यादा डिटेल में कह रहे हैं कि भाई क्या सिम्टम्स हैं इलाज क्या है हम आपको इंशाल्लाह इलाज ही बताएंगे क्योंकि देखिए बहुत डिटेल कोर्स है पहले हम सोचे थे वर्कशॉप पर आते चार घंटे की

दोनों भी जादू से राज करते हैं? नहीं, नहीं ऐसे देखें आपने तो ऐसी बात कर दी नहीं, आप बताए <laughs> मैं इतनी देर से मैं कह रहा हूँ कि जादू जो है ना जैसा भी हो नुकसान अब जादू से इलाज कैसे हो सकता है जादू से जादू का इलाज कभी भी नहीं होता देखिये बड़े से बड़ा इलाज पूरा कर ले बड़े से बड़ा खैर फ़ा क्यों ना हो जादूगर अपने जादू के अंदर कामयाब नहीं हो सकता कुरान का अटल फैसला है तो आप कैसे हम कुरान के तरीके से इलाज करते हैं देखें अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर हम दुआएं पढ़ते हैं जो मतलब सोसाइटी के अंदर देखें सोसाइटी के अंदर बहुत आसान है कि हमें पता चले कि कौन सही इलाज करता है और कौन गलत इलाज करता है मैं 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 अगर 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 आप बात करूं ना यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल है बाय तो दीवार पे इतने मतलब तो आमिल बंगाली और फला ये कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं तो महबूब आपके कदमों में कारोबार की बंदिश हाँ। तलाक करवाएं या तलाक से खत्म करवाएं करवाएर हाँ। को राजी करें और इस तरह सौतन की लड़ाई करें फिर वो फिर ये भी लिखा हुआ होता है की दूसरी शादी किस तरह करनी है पहले को कैसे राजी करना है इस तरह की बहुत सारी बातें ऐसी लिखी होती है नहीं तो आप इसके बारे में बताएं ना थोड़ा और मजे की बात यह कि वो करने वाला जो है ना पता नहीं कौन सा अजीब सा कोई वो शख्स होता है जो वो पूरे कपड़े भी नहीं पहना होता के साथ बैठा हुआ था तो लगे महबूब आपके कदमों में मैंने कहा कि फिर जितने भी ये जो बैठे हुए हैं ना वो सब जो हैं वो सब अपनी महबूब से ही शादी हुई होती है सबसे ज्यादा अगर वो पैसा और कारोबार में बंदिश अगर लेकिन इसका आगाज जो है वो इसका आगाज जो है ना वो कदम बोसी से अगर अगर जादू से पैसे आते और कारोबार में बंदिश होती तो फिर मेरे सबसे अमीर तो, तो बिलगेट्स होता नहीं 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 है बहुत सारे लोग उनके अंदर एक होगी कि यार क्या मतलब कुरान वो सिर्फ इसके लिए आया था क्या अब मैं आपको बताता जा रही मेरे पास कराची के बड़े से बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ पर आए उन उनके साथ कैंसर का मसला था Allah वो कहते हैं कि हमने कीमो करा ली हमने सब कुछ करा ली लेकिन ये कैंसर का मसला हल नहीं हो रहा अब हमारा ईमान और यकीन ये हो गया कि यार ये कुरान के ज़रिए से ही ख़त्म होगा अच्छा मैं आपको बताता हूँ उनका अल्लाह के फजल से मसला ख़त्म हुआ एक केस मेरे पास आया अच्छा मैं आपको बताऊँ कि मुझे पता नहीं था कि जिन पदेशन का केस है और अधिल भाई आई वॉज़ गोइंग टू माई ऑफिस और मेरा जो ऑफिस बॉय था वो वहां पर मैं सबको बता दूं कि उस्ताद अदील भी हमारे साथ जो हैं, वो हाँ, अभी आप नहीं 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 आपको ये बता रहा था कि जो ऑफिस बॉय था वो अभी आया नहीं था और पेशेंट जो थे वो मेरे बाहर वेट कर रहे तो मैं गया अपना ऑफिस का जो है वो दरवाजा खोलने लगा लॉक वगैरह तो मुझे पता नहीं था ये जिन पोजिशन का केस है पीछे से आवाज आई मैं बोला इट्स यूजुअल कोई कहीं से आवाज आई होगी अच्छा मैं अभी लॉक खोल ही रहा था तो पीछे से अचानक आवाज आई मैंने फौरन दरवाजा खोला और झट से अंदर जाके मैं पीछे पलट के देखता हूँ अच्छा ये वो वाला केस है बहरहाल मैं आपको बताऊं इसका इलाज कैसे किया जाता है मैं बैठा और आप यकीन जाने घड़ी में देखकर ट्वेंटी कोर्स में आप करें कोर्स में बताएं कोर्स में बताएं यहाँ ना बताएं मैं आपको बता रहा हूं कि ये होता क्या है बेसिकली 25 टू 30 मिनट्स के अंदर मैं रुकिया पढ़ता रहा कुरानिक वर्सेस पढ़ता रहा दुआएं पढ़ता रहा और उस पेशेंट की कैफियत ये थी कि वो बुरे तरीके से चिल्ला रहा है मुझे गालियां दे रहा है और बड़ी पुश किस्म की गालियां दे रहा है उसके वालिदैन उसके साथ बैठे हुए हैं भाई वो जिन हाजिर हो जाते हैं उस हो जाती वक्त है रुकिया क्या होता है अच्छा रुकिया बेसिकली ये अरेबिक वर्ड है और रुकिए का मतलब आम जो हमारी जुबान के अंदर दम दम, दम हमारी जुबान के अंदर दम दम तो अरबिक में कहते हैं और ये जो लवस, है, ये हमें से मिलता है नबीम के बाद एक शख्स आया और पूरा एक लंबा वाक है बुखारी के अंदर भी है मुस्लिम के अंदर भी है नसाई के अंदर भी है और दीगर कुतुब अहादीस के अंदर भी मौजूद है तो पॉइंट इसके जो लफ्ज़ है अर रुकिया ये अहादीस के अंदर मौजूद है तो हम इसको दम नहीं कहते इसलिए दम बहुत सारी दम तो मैं आपको यह बता रहा था कि उसने मारना पीटना शुरू कर दिया गालियां देनी शुरू कर दी और जोर जोर से अलमारी को जो ना मारना शुरू कर दिया अब उसके वालिदैन परेशान यार गोइंग ऑन ये क्या हो रहा है आखिर लेकिन मेरा यकीन था मेरा ये यकीन था कि यार ये कुरान के बगैर कुरान के बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता मैं कुरान पढ़ता चला गया और आपको एक मजे की बात बताऊं कि जब वो बच्ची ऑफिस के अंदर आई वो अपने पंजों के ऊपर चल के आई थी

तो हम काउंसलिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो पर आप आप एक रहा है। है। मैं आप अपना एक किस्सा सुनाऊँ मैं जो मेरी बात कट गई थी मैं कहा था मत से आशिक का केस था कि उसको एक आशिक जिन्दे अब मैं उसका रुकिया करूँ मैं उसका जो है ना मैं रुकिया करूँ यानी कि वो जो पूछा था अभी एक भाई ने सवाल पूछा कि जिन शादी करते नहीं करते मैं उसका रुकिया कर रहा हूँ उस पर कुरान पढ़ रहा हूँ बेसिकली रुकिया इस कुरान पढ़ना मैं कुरान के आयते पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ और पढ़ता चला जा रहा हूँ उसके ऊपर और फिर वो जिन मुझसे कह रहे हैं कि छोड़ दो मैं इससे मैं मोहब्बत करता हूँ और जिन क्या कह है, तो 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 ब... रहे हैं रखा है जिन में बिल्कुल बहुत ज्यादा वो चिमटते इसीलिए इंसान के ऊपर क्या अगर इंसान असकान नहीं कह रखा है तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझे लस्ट होती है बहुत ज्यादा तो इंसान को लेकर तो इसलिए आप देखें औरतों के साथ ज्यादा मसले हो जाते हैं अक्सर औरतों के साथ ज्यादा मसले हो जाते हैं मर्दों के साथ तो कम होते हैं औरतों के साथ बहुत ज्यादा मसले होते हैं रूहानी मसले और औरतें ही ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व भी रहती हैं। भाई ने सवाल भी किया चुड़ैले जिन खूबसूरत होते हैं बसूरत हमें पता नहीं है कभी देखे नहीं हमने अल्लाह ना कभी देखे बता नहीं इसके में। तो क्या नहीं। अच्छा नहीं तारे ना तारे मैं कभी ना। देखना चाहता हूँ अजीब अजीब सी शिकलों के, अंदर। <laughs> के अंदर आ जाते हैं। वैसे ने पना मांगी के दम करने वाला होता है तो जिन्ना उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपके साथ रसला सुबह शाम की अस्कार कर लेते हैं बस काफी वो उनकी मजाक जो हमारे साथ छेड़छाड़ करे जब हमारे साथ कुरान है जिस तरह आपने कहा देशक। देशक। जब हमारे साथ अल्लाह की किताब है हक है तो उसके अंदर मजाल है कि वो हमारे साथ छेड़छाड़ करे अच्छा अपना केस बता रहे थे के आशिक मैं केस बता रहा था कि वो एक लड़का था तो उसमें जो उसमें आशिक जिन आ गया था अब हम उसका रुकिया कर रहे हैं वो कह रहा है कि जो है ना मैं इससे बहुत मोहब्बत करता दो मैं बोला भाई हमारा भाई हम भी इससे बहुत मोहब्बत करते हैं तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है तो मैं छोड़ के जाना पड़ेगा हमने उस पर कुरान पढ़ा और उसमें हम जमजम का भी यूज़ करते हैं ऑलिव ऑयल का भी यूज़ करते हैं उसको अजियत देते हैं जिनको ताकि वो उसकी बॉडी को, को छोड़ के जाए क्योंकि जब कुरान पढ़ा जाता है तो उस पर बिजलियाँ गिरती हैं जब कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह की तरफ से उस पर रजाब होता है जब कुरान पढ़ा जाता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होती है भारी गुजरता है तो ये तक कहा कि उसको कोड़े की तरह कुरान की आयतें उसके ऊपर लगती हैं तो जब भी कुरान पढ़ा जाता है और जमजम का पानी तो उसके लिए तेजाब की तरह गुजरता है जैसे हम कुरान की एक आयत पढ़ते हैं वो की बंदे और की औरतों को तंग किया और फिर वो बाज ना आए फुम आदाबह वहन्नम का आदाब है उन पर जलाने वाला आदाब है इस तरह और भी कुरान की बहुत सारी आयात है जो उसके ऊपर हम पढ़ते हैं तो जिससे उसको आजाब होता है और जब तक वो उसको नहीं छोड़ता जब तक वो बाज नहीं आता जिन उसकी बॉडी को छोड़ने से जब तक वो बाज नहीं आता तोबा नहीं करता हम तब तक रुकिया करते रहते हैं भले दो घंटे लगे तीन घंटे लगे चार घंटे लगे या समटाइम्स केस जो है वो काफी दिनों तक भी चलता है काफी आगे तक भी चलता है इट डिपेंड्स के अल्लाह के हाथ में होता है शिफा देना तो वैसे हमारे कोशिश करते हैं हाँ। तो बहरहाल इस तरीके केसेस आते रहते हैं एक बहन है कि कोर्स के बाद हम रुकिया खुद कर सकेंगे कोर्स के बाद बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन मतलब नहीं, कर सकेंगे, तो नहीं, 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 नहीं तो... हम उनको इस अंदाज में ट्रेन करेंगे अल्लाह के अल्लाह के जिस तरह हम ब्लैक मैजिक को तोड़ते हैं उस तरह आप भी वैसे ही रुख्या मैंने रुख्या करेंगे इनशाला बताया ना कि इट्स नॉट जस्ट कोर्स ये पूरी पूरी एक ट्रेनिंग होगी अच्छा थोड़ी सी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं अक्सर लोगों को मसला होता है अक्सर मैंने जो अपने सर्कल में देखा है कि जी हमारे दराज से पैसे गायब हो गए या हमारा गोल्ड चोरी हो गया या भाई वो घर में लड़ाई शुरू हो जाती हैं कि दराजों से चीज़ें गायब हो गई तो क्या चीजें भी ये पॉसिबल है कि मतलब मेरे घर तो में पहली इसमें जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो तो नहीं क्या मतलब क्या गायब कर हो सकता तो है कोई इंसान हो जाते हैं अक्सर चीजें गायब हो जाती हैं लेकिन मैं यही कहूँगा कभी कभी पैसे गायब हो जाते हैं चीजें चोरी हो जाती है क्योंकि मैं समझता हूँ घर छोड़ के ना मसला होता ही होता है घर के अंदर घर के हवाले से ये, नहीं चले है, घर के अंदर गायब हो जाती अंदर, अंदर तदरीसी अमल होता है ना जिन घरों के अंदर पढ़ना और पढ़ाना होता है उन घरों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है यानी कि जहाँ पे जो वो महफिल होती है जहाँ पर तालीम चल रही होती है एक है कुरान पढ़ना एक है कुरान सीखना और सिखाना तो जिन घरों में कुरान सीखना और सिखाना होता है उसके बारे में हदीस आती है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से ढांप लेता है फरिश्ते उस घर में आ जाते हैं अथॉरिटी जाती है तो बिल्कुल अथॉरिटी मतलब होती है, तो होती है और इस तरीके की चीजें करता है लेकिन मैं कहूंगा सबसे पहले जो है ना फोकस करें ऐसे लोगों पर घर में बहुत सारे चोर भी होते हैं वो ही बोलते हैं सबसे पहले भाई जिनने गायब किया होगा सबसे पहले हो सकता है उसी ने गायब किया होगा तो होता है भाई जिनने गायब किया होगा आप हर चीज जिनको ब्लेम नहीं कर सकते पहले आप खुद देखें कि आप वैसे कभी ये न्यूज नहीं है कि बैंकों से चीजें पैसे गायब हो तो गा बिल्कुल वही बात है ना अब जिन इतने भी बेवकूफ <laughs> <नहीं। laughs> तो बाहर राज ऐसा लग रहा है आपसे मैं, आप मैं यही तो कह रहा हूँ नहीं नहीं मैं आपसे मैं यही तो कह रहा हूँ लोग सवाल करते हैं भाई फिर बैंक से क्यों गायब नहीं होते तो भाई बैंक से वो इसलिए गायब नहीं होते क्योंकि एक तो अल्लाह की हिफाजत होती है कि अल्लाह कोई भी जिन जो नुँण 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 दे दे है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अल्लाह की हिफाजत के बगैर आपने फरमाया नबी ने कि जिस घर के अंदर सूरत पढ़ी जाती है तो वहाँ पर अल्लाह की मर्जी अल्लाह की मर्जी होती है जिस घर में सूरत पढ़ी जाती है वहाँ पर शैतान शेतान जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है जिस घर में तमाम करना जिस घर में तालीम होती है कुरान सीखा सिखाया जाता है और जिस जगह पर और ये जन्नात जो है वो अपनी मर्जी से नुकसान अल्लाह ताला अल्लाह ताला जब अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसको कोई नफा नहीं दे सकता और जब अल्लाह किसी को नफा देना चाहे तो उसको कोई नुकसान नहीं, नहीं पहुंचा इन शॉर्ट ये कि बेसिकली जन्नात के पास अथॉरिटी होती है गायब कर सकते हैं लेकिन अगर इंसान अपने असकार रखे तो नहीं होती इंसान अपने अपने रखे अल्लाह ताला कुछ नहीं होगा देखिए अगर इंसान को चाहिए कि वो अपने भी असकार रखे तो अगर वो अपने असकार रखेगा तो उसकी हिफाजत होगी फिर घर के असकार अलग है फिर और भी बहुत सारी फिर घर से बाहर निकलने की दुआएं अलग है फिर कपड़े पहनने की दुआ अलग है फिर इस तरह महफिल की दुआएं अलग हैं फिर इस तरह और भी बहुत सारे जिक्र असकार हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए तो अभी रिसेंटली घर चेंज कर रहा था अपना तो मुझे रियल स्टेट का जो एजेंट है वो बेसिकली घर दिखाना शुरू हुआ अब एक ना मुझे अच्छा घर लगा मैंने कहा ये घर कितने का है कहते हैं सर ये घर ना नहीं इसमें हम भी नहीं जाते मैंने कहा मुझे अजीब सी बात हुई मैंने कहा पहली दफ़ा सुना कि एजेंट मुझे कह रहा है कि घर ना नहीं आ मतलब घरों में भी मतलब इनके कब्जे वगैरह होते हैं अगर घर खाली रहेगा काफी अरसे से तो ये कभी कभी इस तरह मुशाहिदात है लोगों के नहीं जहाँ पे लोग रहते होते हैं वहाँ पे मसले होते हैं बहुत से जी बिल्कुल हर घर में वही तो लोग रेंट पे जाना वहाँ पे इलाके में बातें फैली होती है घर के अंदर आ जाए क्योंकि यार मसले ही क्या हसन भाई हम ना कर दिया जाए हसन बात ये है कि मसले तो सब जगह ही होते हैं पूरी दुनिया में मसले लेकिन सवाल ये इलाज कैसे होगा चलो घर में मसला हो गया हाँ प्रॉपर्टिया प्रॉपर्टी सस्ती हो जाती है फिर उस लिहाज से कभी कभी लोग जो ये झूठ भी बोलते हैं प्रॉपर्टी सस्ती बेचने के लिए कभी कभी कोई नहीं, नहीं, भी चार बाजी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप इस चीज को कैसे लेते हैं आप वहाँ तो पे मैं मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि यार कोई सी बिल्डिंग हो दकियानू सी बिल्डिंग हो हजारों साल पुरानी बिल्डिंग हो वहां पर जिन्नात का बसेरा हो मुझे वहां पे ले जाए मेरा आयतुल क्या मेरा आयतुल कुर्सी के ऊपर यकीन है आपका कैसे नहीं हो सकता नहीं मैं वही यहाँ पे ये है ना वही कह रहा आपका ईमान तो आदमी है तो वो क्या करेगी देखें, आ... तो से, लोग होते हैं दीनदार भी होते हैं लेकिन अब एक आम लेमैन है उसका नहीं इतना ईमान वो गिनना काम करता है नहीं लोग दीन की तरफ होते हैं उनके घर में मसले हो गए तो अब वो क्या करेगी एक आदमी जो शिकायत करते भाई इस घर को मैंने चेक करवाना लेने से पहले क्या इसमें जिन्नात है या नहीं है सबसे पहले तो अगर वाकई उसको लोगों ने अगर उसको जो रियल इस्टेट का बंदा है वो ये कह रहा है कि भाई इसमें जिन्नात हैं ये सस्ता है तो अगर वो जिसको तो मैं कहूँगा इस हवाले से बहुत ईजी है बहुत सिंपल है जिन्नात होते हैं घर में वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं एक घर जो बहुत अरसे से खाली रहता है वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं अक्सर आप देखते नहीं हैं लोग अक्सर ये कहते हैं कि बारबी की पार्टीज हो रही होती हैं छत के ऊपर दोस्तों की तो वो दोस्त कहते हैं कि भाई इस घर में नहीं इस कमरे में नहीं जाना इसमें जिन्नात होते हैं यहाँ से हमें आवाजें आती हैं यहाँ से कुछ मामलात होते हैं सुबह दो रात को दो बजे जो है ना वो आवाजें आ रही होती हैं टेबल खिसकने की आवाजें आ रही तो वाकई ये मामला होते हैं वहाँ पे और कुछ बेवकूफ़ वो ये क्या करते हैं वो थोड़ा सा जाते हैं और बहादुर बनने की कोशिश करते हैं लात मारते दरवाजे कहते हैं जो करना है कर लो फिर उसके बाद से उनकी तबीयत खराब हो जाती है उसके बाद से जो है ना फिर वो अफेक्ट हो जाता है फिर उसको सही इंसान प्रिकॉशन बिल्कुल ऐसे होते हैं करें करें ऐसे होते ना करें। लेकिन बात यही है असकार भी और मैंने आपको बताया ना सिर्फ असकार से और हमारे एक मिजाज ऐसा बन चुका है कि हम खुद से शुरू कर देते हैं किसी से मशवरा नहीं करते हम खुद से किताबें खोलेंगे किसी से कंसल्ट नहीं करेंगे हम इंतज़ार करते हैं कि जब तक मसला नहीं होगा तब तक हम सीखेंगे नहीं और उस्ताद होना चाहिए हम जब तक हम इंतजार करते हैं जब तक हमारे साथ कोई मसला नहीं होगा जब तक हमारे बच्चे प्रजेस्ट नहीं होंगे जब तक हमारे साथ कोई रूहानी मसला नहीं होगा जब तक हमारे कारोबार में बंदिश नहीं आएगी जब तक हमारे साथ कोई मसले मसाइल नहीं होंगे जब तक बेउलादी का मसला नहीं होगा तब तक हम जो है वो किसी रूहानी मालिक के बाद नहीं जाएंगे और उससे सीखेंगे ही नहीं हम इंतज़ार करते हम इंतज़ार करते हैं बीमार होने का हम इंतज़ार करते हैं इस घड़े के अंदर गिरने का हम इंतज़ार करते हैं इस आजमाइश में मुबतला होने का हालांकि हमें चाहिए कि हम इसको स्टडी करते एक आजमाइ को आने से पहले एक बीमारी को आने से पहले क्योंकि एक कहावत है अरबिक के अंदर अलकात खैर उमिन इलाज के प्रोटेक्शन इज़ बैटर दैन क्योर द प्रिवेंशन इज बैटर दैन क्योर तो पहले पहला जो स्टेप होता है वो प्रिवेंशन होती है वो प्रोटेक्शन होती है वो हिफाजत होती है तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपका दुश्मन कौन है तब तक आप कैसे पता कर सकते हैं कि उससे हिफाजत कैसे होगी आपने मेंटोर की और उस्ताद की बात की कि सीखना चाहिए आना चाहिए समझना चाहिए सवाल यहाँ पे यह होता है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि माशरे के अंदर सोसाइटी के अंदर सही राखी कौन है और गलत राखी कौन है वो तो चले हम इंशाल्लाह जी नहीं मैं बता देता हूँ इसमें देखें एक आदमी इसके ऊपर मैं गया मैं उस वक्त रुकिया नहीं किया नहीं करता था आप यकीन जाने आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम उनसे सवाल किया गया कि जी आप मुझे चेक करके बताएं कि मेरे साथ मसला क्या है और लिटरली मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने अपने हाथ में इस तरीके से तस्बी उठाई और तस्बी को उठाने के बाद उसको देखा उसको पढ़ना शुरू किया और उसको यूं हिलाना शुरू कर दिया यूं इस तरीके से तस्बी हिला रहे हैं उसको देख रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं थोड़ी देर के बाद कहने लगे मुझे मेरे मोकरों ने बताया तकरीबन सात हजार की देख बनेगी और हो जाएगा <laughs> यार What's the हम भी दो चार अंग्रेन अगर आप एक इंसान के पास जाते हैं जो आपको सोसाइटी के अंदर मशहूर है वो बाबा जी बड़े नेक आपको पता चलता है बड़े नेक बाबा है अच्छा लोग इनको इंट्रोड्यूस भी ऐसे कराते हैं बहुत पहुंचे हुए बाबा है बहुत नेक बाबा हैं आप नहीं जानते उनके बारे में बिल्कुल शरय इलाज करते हैं तो हम बताते हैं आपको कि वो शर इलाज कैसे होता है जब आप उसके बाद जाएंगे तो आप मैं कहूँ ये लोग ये भी कह रहे हैं बताते हैं कि मोकिल क्या होता है जो खुबे भाई ने कहा कि मोकिल से इलाज कराएंगे वो मैं उस, उस पर मैं आपको बताता हूँ फिर मोकिल <laughs> क्या है तो ये है कि कोर्स जब तुम्हें तो उस बाबा के पास जाते हो बाबा आपसे एक सवाल करता है वो कहता है कि आपका नाम क्या है आप उसको नाम बता दे ठीक है फिर वो बाबा जी वो सवाल करते हैं जो बड़े से नेक आपको दिख रहे होते हैं ना बड़े पहुंचे हुए जो होते हैं वो कहते हैं आपकी वालदा का नाम क्या है तो जो शख्स आपकी से आपकी वालदा का नाम पूछ ले जो शख्स आपसे क्या पूछ ले आपकी वालदा का नाम वो समझ जाए वो जादूगर है क्योंकि वो आपका इलाज जन्नात से कर रहा है वो कुरान से नहीं कर रहा फिर उसके बाद वो उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो आपको डेविएट करे एक सीधे रस्ते से वो आपको गुमराह करे ताकि अल्लाह की रहमत आपसे दूर हो और उसके लिए वो एक बहुत ही ख़तरनाक काम करता है और बहुत ही ख़तरनाक काम करता है वो ये है कि वो ये कहेगा कि आपको किस पे शक है औरतें अक्सर जो सेंसिटिव हमारे जो रिश्ते होते हैं जो कच्ची डोरे होती है बहु, बहु कहेगी साथ, के नंदे और ये फुप्पो और भाई के लिए भाई विरासत के मसले होंगे तो भाई नजर आने शुरू हो जाएंगे उसको तो वो बोलेगा आपका भाई ही है हालांकि हालांकि शरीयत क्या कहती है कि रिश्तों को जोड़ो और मेरे पास एक केस भी आया ऐसा एक औरत आई वो अपने बेटे के साथ और वो कहने लगी कि मैंने चेक कराना कि मेरे हस्बैंड पे जादू है या नहीं है मैंने कहा तो आप अपने हस्बैंड को लाती मैं कैसे बता सकता हूँ तो वो कहने लगी कि मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी मैं बोला अब उनका मामला ख़त्म हो गया अब अब मैं कैसे बता सकता हूँ जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए कह लगे नहीं मुझे पता करना कि मेरे देवर ने उन पर जादू किया नहीं तो किया तो अल्लाह मैंने उनसे पूछा मसला क्या है कह लगे स्कूल का मसला था पार्टनरशिप में स्कूल चल रहा था और हमें शक है कि हमारे देवर ने उन पर जादू किया मैंने बोला अगर उन्होंने किया भी होगा जो भी होगा तो अब आप क्यों एक चीज़ को बार बार कह रही लिए फिर उन्होंने कहा हम किसी के पास गए थे इलाज कराने और उसने ये कहा कि तुम्हारे देवर ने तुम्हारे शोहर पे जादू किए और जिसकी वजह से उसकी जो है ना मौत हुई है मैंने उनसे सवाल किया मैंने बोला क्या उनका इलाज हुआ कह लगी नहीं मैंने कहा क्या आपको उन्होंने तरीका हिफाजत बताई उन्होंने किस तरीके से तो कह लगे नहीं मैंने कहा क्या आपके हस्बैंड वापस आ गए उनके बताने से कह लगे नहीं मैंने बोला फिर उसने मालिज आप उसको क्यों कह रही हैं आप उसको इलाज करने वाला क्यों कह रही है आप उसको नेक बाबा क्यों कह रही हैं उसने तो एक ही काम किया उसने आपके खानदान को लड़वा दिया बस हो सकता है वो आपका जो देवर था आपका खैर ख्वाह था आपको स्कूल में पूरा शेयर दे देता लेकिन उस बाबा की वजह से क्यों क्योंकि उसका जादू असर नहीं कर सकता जब तक वो खानदान में लड़ाई नहीं करवाएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तों को जोड़ने को कहते सिला रहमी का हुक्म देते हैं ये जादूगर रिश्ते को तोड़वाएगा ये जादूगर बोलेगा रिश्तों को तोड़ो और फिर वो आपसे जो है ना जिन्नात को खुश करने के लिए आपसे कुछ अमल करवाएगा कहेगा डेली जुम्मे रात को जाके या जुम्मे को जाके छत पे छीछड़े फेंक कर आ जाओ गोश फेंक कर आ जाओ नेटी जेटी में ये बहा कर आ जाओ ठीक है लीबू पानी पे दम करके यहाँ पे लटका दो दो हड्डियाँ लटका दो वहां पे होता होगा उनका कोई अमल होता होगा गंदा गंदगी होती होगी वहां पर क्योंकि ये अक्सर उस पेशेंट से गंदे काम करवाते जिन्नात को खाना खिलवाते हैं जिन्नात की इबादत करवाते हैं कबरों के अंदर डलवाए जाते हैं अच्छा मैं आपको बताऊं एक दफा मामला ये हुआ कि मेरे पास एक साहब आए के भी थोड़ा बता दें कि मैं आपको बताता हूं कहते हैं कि मेरे पास एक दफा एक साहब आए कहते हैं कि जी मेरी बेगम साहिबा की तबीयत बहुत खराब हुआ करती थी पहले मैंने बोला अच्छा जी तो सही कैसे हुई कहते मैं एक साहब के पास गया उन्होंने कहा कि जी अपनी बेगम साहिबा के कपड़े लेकर आ जाओ मेरे पास मैं कपड़े लेके गया उनके पास एक मट्टी की हांडिया थी उस मट्टी की हांडिया के अंदर उन्होंने बेगम साहिबा के कपड़े डाले उसके अंदर कोई अंडा डाला या कोई दाल डाली उसको अच्छे तरीके से घुमाया और मुझे दिया जाके उसको धो और पहना दो और वो ठीक हो गई मैंने कहा यार आपको पता नहीं है कितना खतरनाक जादू कर दिया उन्होंने आपके ऊपर क्या ये कुरानिक इलाज हो सकता है क्या बिसीक्टी? इसका वजूद शरीयत के अंदर हो सकता है यही तो चीजें हैं जो लोग देख के दूर भागते हैं यार ये तो इस्लाम ऐसा ही ये exactly. मौकल ये होता है कि आप जो पूछ रहे थे मौकल क्या होता है असल में वो उस पर चले आ जाते हैं लोग लोग एक बंदे का बहुत अच्छा सवाल है कि चले सवाल माइंड में लेते हैं एक आदमी का सवाल है क्या सफा के अंदर रुकिया सिखाया जाएगा यानी सफा के अंदर नहीं सिखाया जाएगा

और अगर आप चाहते हैं कि आपका रुकिया मजीद बेहतर हो जाए तो 15-20 पंद्रह के बाद एक कोर्स आने वाला है कुरान के हवाले से तो आप उसके अंदर भी इनरोल कर सकते हैं अच्छा वो टीवी चैनल पे वालदा का नाम करें क्योंकि बहुत लंबी बहस है काफी रुकिया अच्छा के हैं आप अंदाजन मेरे ख्याल तीन चार साल से कर रहे हैं तो कोई ऐसा केस जो कि आप सबसे मतलब मुश्किल केस हो एक केस आया था बहुत हैवी केस था उसमें जो है वो तकरीबन मुझे याद है कि छह घंटे उनके ऊपर कुरान पड़ा याद था। है, मैं नीचे फ्लोर पे बैठा हुआ था मुझे आ रही थी छह घंटे डिस्टर्बेंस आ रही थी जो मैं आपको तो, सबसे जो है वो ये था वाजें आना शुरू से थी भी सर्दियाँ और आपको पता है कि सर्दियों में पंखे बंद होते हैं यहाँ तो वैसे पंखे नहीं है वैसे नहीं, अच्छा नहीं। तो बहरहाल आप बताए कैसा केस था आपका एक केस था वो एक आ, लड़की का केस आया था उनके उनके वालिद उनके साथ थे और उनके घर की कुछ खुवा उनके साथ थी तो जब हम रुकिया स्टार्ट करते थे तो बहुत अजीब सी कैफियत उस लड़की के ऊपर तारी हो जाती थी और उसके मुंह पे ताले लग जाते थे वो बात नहीं कर सकती थी वो चीखती थी बहुत बुरे तरीके से और हम उससे जब जिन कलाम नहीं कर सकता था और छह घंटे उसके ऊपर रुकिया किया है बहुत बुरे तरीके से और पूरा उसके ऊपर जादू का इतना बुरा इम्पैक्ट था कि ना वो खा सकती थी ना वो बोल सकती थी और ना ही उसका दिमाग को जो है ना बिल्कुल बंद कर दिया था हमने बहुत ज़्यादा रुकिया किया और लेकिन वो केस अल्लाह के हुक्म से वो चला हम, हमने उसको काफ़ी डील करने की कोशिश करी बहरहाल ये केस था बहुत हैवी केस था और हम ख़ुद परेशान थे कि इसको किस तरीके से डील करें तो हमने अपने से रुजू किया हमने से मैंने पूछा और उनसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी तो उन्होंने मुझे ये बताया अच्छा एक जो है बेसिकली मैं आप एक कॉमन क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में तो नहीं आया मैं इसके बारे में करता हूँ कि लोग अक्सर कहते हैं कि हम फला बाबा के पास गए या किसी के पास भी गए बाबा फटा देते हैं अपने शो से तो हम फला शख्स के पास गए आप पहुंचे हुए बाबा करने अक्सर पहुंचे हुए सरकार ज्यादा अच्छा वो कहते हैं हम फला शख्स के पास गए तो जी हमने उसके आगे हाथ रखे उसने बता दिया हमारे हाथ में क्या है ये थोड़ा केस बता मेरे एक भी इमाम अहमद बिन बताते हैं जो बता रहे थे जादू का असल में ये तो ये अगर तो 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 आप हदीस का मतलब करेंगे अगर आप हदीस से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने एक इंसान के साथ हमजाद भी पैदा किया है जो एक जिन होता है जो एक जिन होता है नाम है जो एक जिन होता है हमजाद जो होता है हमजाद उसको कहते हैं करीन होता है उसका हाँ, और सारी डिटेल्स होती है जो भी आप कर रहे होते हैं वो आपके साथ तो होता देख रहा है।, है साथ साथ तो साहबा ने ये भी पूछा था आप वसल्लम से कि अल्लाह ने आपके साथ भी एक पैदा किया एक अल्लाह के रसूल ने कहा था हाँ लेकिन वो मुसलमान हो चुका है ठीक है तो हमारे साथ हमजाद होता है तो वो जिन्नात वो जो बाबा जी होते हैं जो पहुंचे हुए जो एक बंदा होता है जिसके पास आप जाते हैं वो अपने मोकलों से आपके हमजाद से कांटेक्ट करता है और वो बताता है कि भाई क्या खाया था क्या पिया था तुम्हारे घर में क्या पक्का था तो ये उसके पीछे एक पूरी एक साइंस होती है तो इसलिए बताते थे आप इम्प्रेस हो जाते हैं पता नहीं कितना पहुंचा हुआ बंदा है मेरे ख्याल है यही वाक्य मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा मैं इसलिए नाम नहीं लूंगा कि उनके गाँव के अंदर जादूगर आया तो क्या करता था लोग उनके पास अब जाहिर है मैं अगर गिन रहा हूँ कोई चीज़ दस दाने मैंने गिन के रखे अपने हाथ के अंदर और मैंने उससे जा पूछा कि भाई इसके अंदर कितने दाने हैं तो जाहिर है मैंने तो गिन लिया तो जैसे आप बता रहे हैं उसके साथ एक होता है जिन होता है तो वो भी गिन लेता है

ऐसी चीजें अच्छा एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान में दे रखनी चाहिए इस हवाले से कि जो राखी होता है लोग कहते हैं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सकता है मेरी नज़र में ऐसा हरगज़ नहीं है अगर उस राखी का एतमाद इस हदीस के ऊपर हो जाए कि नबी आसलातूसल ने फरमाया था कि खैर उन नासी बेहतरीन बंदा वो है कि जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए अब अगर खैर का जो एलिमेंट है अगर वो अल्लाह खुद अपने उस बंदे के अंदर डाल रहा है तो फिर उसके अंदर से खैर निकल के दे सकती है वो खैर वाले जिसके अंदर एलिमेंट खैर का है तो शैतान उसको कैसे जो है वो हटा सकता है राय अफसर हाँ अच्छा हुबैर भाई ये जो कोर्स है अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये अमल करने से उनकी ज़िंदियाँ बर्बाद हो जाएंगी या तो मैं इनको बताता चलूँ कि देखें कि अगर आप सुबह शाम के अस्कार हैं जो बहुत मुख्तसर हैं अगर आप वो अस्कार करेंगे तो आपकी हिफाजत होगी और अगर हम वो असकार करेंगे तो हमारी मैं मैं तो ये बेसिक, बेसिक नहीं बेसिक, बेसिक अक्सर लोग असल में डरते हैं हाँ। ये इल्म सीखना हमें तो कुछ नहीं हो जाएगा हमें ये नहीं हो जाएगा अच्छा लोग इसके ऊपर डरते हैं कि हम वो बताने से डरते हैं यार हमारे साथ के तो अंदर लोग क्या सोचेंगे सबको रिकमेंड करूंगा क्योंकि इतनी बेसिक माइक्रोज है क्योंकि मैं समझता हूँ हर किसी को पता होनी चाहिए ये हल्का मसला नहीं, नहीं है हसन भाई आप ये। जी ये हल्का मसला नहीं है ये अभी मेरे पास एक केस आया मैं उसको नाम वगैरह लेना मुनासिब नहीं है डिस्क्लोज भी नहीं करना शादी हुई अभी दो तीन महीने गुजरे इंसान के अंदर अंदर जो एक सेक्सुअल डिजायर होते हैं उसकी तकमील नहीं हो पा रही और अल्लाह कुरान में फरमाता है वो शर्माता नहीं है तो मेरे अंदर भी वो चीज़ नहीं है हम कुरान बयान कर रहे हैं हम हदीस की रूप से चीजों को बयान कर रहे मामला ये हो जाते हैं हर इंसान के साथ और दूसरी बात ये है कि खुबे भाई अगर बंदा बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो इंसान परेशानी में मुबिला हो जाता है बहरहाल इसको सीखना चाहिए जो भी है कोर्स के हवाले से कोर्स की मैं बात कर रहा था कोर्स में ये है कि जब आप को देखें अगर कोई इंसान मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि तुम कुछ फील्ड के अंदर तुम पढ़ गए हो क्या तुम कर रहे हो किस तरीके से होगा तो मैंने उनको यही कहा कि जो लोग बीमार होते हैं जिन लोगों के साथ मसले मसाइल होते हैं जिन लोगों के साथ इशूज़ होते हैं वो रुकिया नहीं करते वो रुकिया नहीं करते मसला ये है रुकिया करने का मसला ये है इलाज करने का मसला ये है किसी चीज़ को सीखने का कि अगर आप जब तक इस चीज़ को सीखेंगे नहीं जब तक आप इस चीज़ के पास से नहीं गुजरेंगे जब तक आप इस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये ये सोसाइटी के अंदर ऐसा देखा जाता है कोई कोई बहुत बड़ी जो है ना कोई बला है ये इतना मुश्किल नहीं है ये कोई ऐसी कोई बड़ी बला नहीं है हमारे सामने अल्लाह ताला ने इस मखलूक को पैदा किया है और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल्लाह ताला खुद हुक्म देता है अल्लादीन फी सबीलिल्लाह वो लोग जो ईमान रखते हैं वो अल्लाह के लिए लड़ाई करते हैं वल्लीन कफ़र फी यौवातिलौनफ़ी तागूत और जो लोग कफ़ुर करते हैं वो शैतान के लिए रहते हैं अल्लाह ने हमें हुक्म दिया फ़कौतलिया शैतान अगर हम इनसे डर जाएंगे तो फिर ये हम पर हावी हो जाएंगे अगर हम इनसे डर जाएंगे हम पर हावी हो जाएंगे और ये सूरज में भी कहते हैं फजादा ये और ज्यादा सरकश हो जाते हैं जब इंसान इनसे डरता है ना बेरी जब इंसान इनसे अकीदा बांधता है जब इंसान इनसे, इनसे, इनसे पनाह मांगता है जब इंसान के अंदर खौफ आता है अल्लाह ने कहा फकौतलोलिया शैतान के लड़ाई करो इनके साथ इन न कईदा शेतवानी का नज़ा बेशक शैतान की चाले जो है अल्लाह कमजोर कर चुका है अल्लाह ये नहीं कहा कि अल्लाह कमजोर कर देगा अल्लाह कहता है मैं कर चुका हूं कमजोर कि जब भी इनके साथ लड़ाई की जाएगी लेकिन ऑब्वियसली बात है कि हम तो इनसे लड़ाई नहीं कर सकते अल्लाह ताला ने इनको हमसे ज्यादा ताकत दी है ये हमसे ज्यादा क्या ज्यादा पावरफुल हैं इसीलिए इनसे लड़ाई करने के लिए हम कुरान का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए हम इनसे मुकाबला करने के लिए सुबह शाम के जिक्र असकार का इस्तेमाल करते हैं जब तक हम जिक्र असकार नहीं करेंगे और उसके बगैर हम इनसे लड़ाई करेंगे हम बगैर उसके वो करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर इंसान कितना भी नेक क्यों ना हो जाए वो भी अफेक्ट हो जाता है अच्छा इस्लाम भाई सेशन को इन तंड करते हैं मैं चाहूँगा कि एंड से पहले आप थोड़ा सा आउटलाइन बता दें कोर्स के बारे में कि कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे कि दस से बारह घंटे का जो हमारा कोर्स है उसमें क्या क्या ये टॉपिक्स कवर करेंगे आप ताकि लोगों को पता चल जाए कि कोर्स लाजमी लें और अपने घर वाले को भी रेफर करें कोर्स के अंदर ये है कि सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कोर्स के अंदर कि इसकी हिस्ट्री क्या है जादू की जादू किस तरीके से स्टार्ट हुआ और सुलेमान सलाम और जिन्नात के बारे में क्योंकि जिन्नात ने इल्ज़ाम लगाया सलीमान पर के सलीसम ने जादू सिखाया था जिन काबू करने का इलाज

और ये कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे ख्याल है बहुत इजी है लेकिन सिर्फ ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इसको टैबू टैबू इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है हम इससे जो है ना ये बहुत दूर दूर तक इसको कोई सिखाने वाला भी नहीं है और कोई स्टेप और अगर कोई करता भी है तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है जिसके बारे में शक शकोशुबाद आ जाते हैं जदाक खैर इस्लाम भाई जदाक भाई तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस कोर्स के अंदर मैं डेफिनेटली रेकमेंड अपने पड़ोसियों को अपने रिश्तेदारों को सबको रेकमेंड कीजिए क्योंकि मैं समझता हूँ वो बेसिक्स हैं जो कि हर किसी को पता होना बहुत लाजमी है इसके अभी तो हम इनशाला से बात कर रहे थे हम माइक्रोस में जाके बात करेंगे क्या वजूहत थी हमारे और रहा है सूर्य फलक साहब वो भी अटेंड कर सकते हैं जिसमें अक्सर वसफा से भी बात आ रही थी बस बस ऐसे कैसे कंट्रोल करें तो अब इंशाल्लाह हमारा आप इन ब्लैक मैजिक को तोड़ने के लिए फलक और नास ये तरह कोर्स में कवर करेंगे और भी मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह होते हैं आप कोर्स लाजमी अटेंड की करेगा मैं खुद कोर्स अटेंड करूंगा आपके शाम भाई और जो भी इंटरेस्टेड है वो हमें इनबॉक्स करे या कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड लिखे या हमारा जो ऑफिशियल नंबर है जीरो डबल थ्री फाइव फोर सिक्स फोर थ्री सेवन टू सेवन उस पर व्हाट्सऐप कीजिए उस पर कॉल कीजिए इंशाल्लाह तला आपको डिटेल्स कर दी जाएंगी سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته